सीतामढ़ी शहर में कल से खुलेंगे मंदिर, अब भक्त नहीं बजा सकेंगे घंटी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। पेश है सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता रोहित ठाकुर के साथ ध्रुव गुप्ता की रिपोर्ट। 8 जून से खुलने वाले मंदिर के लिए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने अपने कुछ खास नियम बनाए हैं, जिससे लोग कोरोना वायरस से बच सके। मंदिर प्रबंधकों की ओर से मंदिर में लगी घंटी, कोई भी श्रद्धालु इन घंटियों को न बजा सके। सीतामढ़ी जानकी स्थान वैष्णो माता मंदिर महावीर मंदिर के पुजारियों ने कहा कि मंदिर की ओर से कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। 8 जून से मंदिर खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर के हर कोने को सैनिटाइज किया गया है, खास तौर से गेट, मंदिर में लगे लोहे के ग्रिल को केमिकल से साफ किया गया है। उन्होंने बताया कि हर श्रद्धालु मंदिर में आते ही गेट पर लगी घंटियां बजाते हैं, इसलिए उन घंटियों को हमने ऊपर कर दिया है ताकि कोई श्रद्धालु इस घंटी को ना बजा सके। ऐसे में लोगों को सुरक्षा को देखते हुए और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंदिर परिसर में लगी सभी घंटियों को बजाने पर पाबंदी लगा दिया गया है। साथ ही वे लोगों को यह बताएंगे कि मंदिर में ना प्रसाद लाएं और ना माथा टेके, भक्त केवल दर्शन कर आगे चले जाएं। उन्होंने कहा कि मंदिर की सभी घंटी और घंटों को ढक दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें बजा न सके। घंटी छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वही प्राचीन हनुमान मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, जानकी मंदिर समेत सीतामढ़ी के प्रमुख मंदिरों में कोरोना को रोकने के लिए अपने अपने स्तर से तैयारियां की जा रही है, जिनमें सैनिटाइज के काम के साथ शारीरिक दूरी के नियम को बनाए रखने के लिए सफ़ेद रंग के गोले, हरे रंग के गोले भी बनाए गए हुए हैं। आगे देखें हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इस समय हम जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के जानकी मंदिर के प्रांगण में है और हमारे सामने ही यहाँ पर जगत जननी माँ जानकी का गर्भगृह है। यहाँ के मुख्य पुजारी जी से हमने बात की है कि कल से जो मंदिर खुल रहे हैं, मंदिर खुलने के बाद भक्तों के दर्शन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, तो आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से चाक चौबंद व्यवस्था आपको नजर आएगी। यहाँ पे हर तरफ जो है ग्रीन कलर का एक घेरा बना हुआ है, इस घेरे में रह करके भक्त जो है दर्शन करेंगे। एक एक भक्त आगे बैठेंगे, मेन गेट से अंदर आएंगे और इस दक्षिण गेट की तरफ से दर्शन करते हुए बाहर जाएंगे। सभी घंटियों को ऊपर कर दिया गया है ताकि कोई भी भक्त हाथ ना लगाए। जो प्रतिमाएं गर्भगृह के साइड में उत्तर दक्षिण पूर्व की साइड में थे, उन सभी मंदिरों के गेटों को बंद कर दिया गया है ताकि भक्त अंदर ना जा सके। और अगर यही व्यवस्था रही तो हो सकता है कि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मंदिर के पुजारियों को, और मंदिर के बाहर जो भी फल फ्रूट प्रसाद विक्रेता फूल पत्ती विक्रेता हैं वो भी सही से रह पाएंगे। और देखा है मैंने कि बाहर भी जितने भी प्रसाद विक्रेता बैठे हुए हैं, फूल पत्ती विक्रेता बैठे हुए हैं, सभी ने मास्क लगाया हुआ है, हाथ धोने के लिए उनके पास पानी अलग से व्यवस्थित है, और मंदिर के अंदर भी पूर्ण रूप से साफ सफाई आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मंदिर के अंदर जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, सिर्फ वही मौजूद है, बाहर का कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि गेट पूर्ण रूप से बंद है और इस गेट को कल सुबह ही खोला जाएगा। धन्यवाद। त्रिलोकी दास, मुख्य पुजारी, जानकी मंदिर। अच्छा बाबा, जैसा कि पिछले 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन था कोरोना महामारी को लेकर, कल यानी कि 8 जून से सभी मंदिर सरकार के दिशा निर्देश पे खुल रहे हैं, तो जगत जननी माँ जानकी की इस पुण्य भूमि पर ये जानकी मंदिर एक बहुत ही पवित्र मंदिर है और पर्यटन स्थल भी है, तो यहाँ पे भक्त लोगों के दर्शन के लिए आने जाने की क्या व्यवस्था है मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से व्यवस्था है कि मेन गेट से 5 एक एक मीटर पर चिन्ह बना दिया गया है। जी, चिन्ह पर एक एक चिन्ह पर दर्शनार्थी खड़ा रहेंगे। जी, फिर एक आदमी जब बढ़ेंगे तो फिर दूसरे उस पर बढ़ेंगे। जी, दूसरे बढ़ेंगे तो तीसरे बढ़ेंगे। जी, तीसरे बढ़ेंगे तो चौथे बढ़ेंगे, और ऐसा ही बढ़ते हुए जी दक्षिण में
शाही गेट एक चिन्ह बनाया गया है जी जी, उस चिन्ह में दक्षिण गेट से निकल जाए, दक्षिण गेट से जो सीता उर्जी का कुंड है उस रास्ते से, उस रास्ते से निकल जाएंगे जी जी, पूर्व गेट से आएंगे जी, दक्षिण गेट से निकल जाए। अच्छा, जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश है कि घंटी नहीं बजाना है, प्रतिमाओं को हाथ नहीं लगाना है, तो ये सब व्यवस्था चाक चौबंद है, सब जैसे बंद रहे, सब बंद रहेगा, अलग से दर्शन करना है जी, जो फूलपति प्रसाद लोग जलाएंगे जी, अपने से वहीं रखकर प्रणाम कर लेना है जी, और चलते बने। आपका नाम? धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 सीतामढ़ी से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। इस समय हम सीतामढ़ी के प्रसिद्ध थाना रोड स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में है, और जैसा कि संपूर्ण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस लॉकडाउन की वजह से तमाम धार्मिक स्थल भी बंद थे, कल 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए कि मंदिरों में भक्त के आने जाने के लिए क्या प्रबंध किया गया है, किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना होगी, इसी बात की जानकारी लेने के लिए आज हम इस समय माता वैष्णो देवी के गर्भगृह में मौजूद हैं, और हम यहाँ के मुख्य पुजारी जी से बात करेंगे, उनसे पता करेंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरह से होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था है या नहीं, साफ सफाई को लेकर उनका क्या कहना है, हर चीज़ के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। जी दयानंद जी, आप यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? जी, प्रधान पुजारी बाजार में गए हुए हैं। ठीक है, तो कल से जिस तरह की सरकार का निर्देश है कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए, तो कल से मंदिर के पट खुल रहे हैं आम भक्तों के लिए, तो इसको लेकर के क्या व्यवस्था है मंदिर की? जैसे सब गेट बंद रहेगा, एक गेट से जो ना एक बार में 5 आदमी आएंगे जी, दर्शन करेंगे जी, जो प्रसाद हम लोग चढ़ा देंगे जी, साइड से फिर जी दर्शन करके फिर अपना साइड से। अच्छा, तो भक्तों के लिए यहाँ पे आप लोगों ने दिशा निर्देश लगाया है कि उनको खुद से किसी भी प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना है, प्रसाद नहीं चढ़ाना है, घंटी नहीं बजाना है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ तेरा पारी आना है जी जी, वहाँ प्रसादी होगा, प्रसादी रख देंगे, प्रसादी खुद हम लोग अपने चढ़ा देंगे जी, नहीं उनको घंटी बजाना है, कोई मूर्ति को भी नहीं छूना है जी, ये सब चीज़ की व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है यहाँ पे जी। ठीक है, एक साइड से अपना आएंगे, एक साइड से अपना जाएंगे। ठीक, आप लोगों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, अपना टाइम देने के लिए हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं, और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे मंदिर खुलने के। इस समय हम शहर के कोट बाज़ार स्थित श्री दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में हैं, और यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। मेन गेट बंद है, जो कि कल सुबह भक्तों के लिए खुलेंगे, साथ ही जो यहाँ के मुख्य पुजारी है, आदरणीय पुजारी जी का कहना है कि मंदिर में 5 से ज़्यादा लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है, राम दरबार और शिव दरबार बंद रहेंगे, भक्त अपने हाथों से प्रतिमा को हाथ नहीं लगाएंगे, अपने हाथों से प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, और सैनिटाइजेशन का व्यवस्था भी यहाँ पे सबसे पहले तो वी न्यूज़ 24 की तरफ से हम आपको नमस्ते करते हैं। आनंद में रहिए। अच्छा, जैसा कि पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की दौरान टोटल धार्मिक स्थल जो है बंद थे, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कल 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग की तैयारी जो सरकार का शर्त नियम कानून है उसी के अनुसार मंदिर खुलेंगे जी, उसका अच्छा सा पालन होगा जी। भक्त के आने जाने की व्यवस्था कैसी है? 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे जी, दूरी बना के रखेंगे जी, मास्क लगा के आएंगे जी, पर वगैरह पर दरवाजे पर जो है सैनिटाइजर किया जाएगा जी। अच्छा, कि जैसा कि दिशा निर्देश है किसी प्रतिमा को नहीं छूना है, भक्त को खुद से प्रसाद, राम दरबार और शिवालय दोनों बंद रहेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।